नमस्ते। हमने टेंस को सीखने के क्रम में अब तक सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात कर चुके हैं। सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बाद हम तीसरा भेद, जिसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं, की चर्चा करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट का अर्थ होता है कि वर्तमान काल में कोई कार्य अभी तुरंत पूरा हुआ है। वह कार्य कुछ देर पहले जरूर शुरू हुआ था, लेकिन अभी तुरंत खत्म हो गया है। उस कार्य को पूरा हुए बहुत देर नहीं हुआ है, तो हम मानते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उदाहरण होता है। जैसे सूर्योदय हो चुका है, अभी सूर्य निकला है। चिड़िया उड़ चुकी है, वे बाहर जा चुके हैं, शिक्षक आ चुके हैं। तो ऐसे उदाहरण से आपको ये लगेगा, ये भाव आएगा कि कार्य का संपादन तुरंत हुआ है, यह कार्य अभी तुरंत पूरा हुआ है और इतना रिसेंटली पूरा हुआ है कि हम इसको प्रेजेंट टेंस में ही मानते हैं और ये मानते हैं कि प्रेजेंट टेंस में ही यह कार्य हुआ है और इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट मानते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए या उसको समझने के लिए हम इसकी पहचान चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो ज़्यादातर वाक्य में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लगे होते हैं, वर्ब में लगे होते हैं। जैसे वह आ चुका है, हम लोग जा चुके हैं, मैंने खाना खा लिया है, वह आ गए हैं, शिक्षक पढ़ा चुके हैं, हमने वीडियो देख लिया है, ऐसे वाक्य। अब हम इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए पुराने नियम की तरह ही सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट में हमारा आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट और किसी का नाम होता है। उसके बाद हम हैज और हैव में से किसी एक वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये सहायक वर्ब है, हैज और हैव, तो हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। इसके बाद भी थ्री का प्रयोग करते हैं। भी थ्री का क्या अर्थ? तो भी थ्री का मतलब है वर्ब का तीसरा फॉर्म। आपके पास ग्रामर की बुक्स होगी और उसमें आप देखेंगे, नॉर्मली सभी किताबों में होती है जो वर्ब्स के बड़ी लिस्ट दी होती है और उसके तीनों रूप लिखे होते हैं, किसी किसी में पांच रूप भी लिखे होते हैं। तो वर्ब थ्री का मतलब हुआ पास्ट पार्टिसिपल या भी थ्री, यानी ये वर्ब का तीसरा रूप है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग में आता है। तो हम वाक्य की बनावट इस प्रकार लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव और उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, और अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट डाल देते हैं, हमारा वाक्य पूरा हो जाता है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, मतलब यह कार्य खाने का पूरा हो चुका है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई हैव ईटन, आई हैव ईटन, मैंने खा लिया है। वह आ चुका है, ही हैज कम, ही के मुताबिक हैज रखेंगे, और वर्ब का तीसरा फॉर्म तो कम, केम, कम, यहाँ तीनों मतलब तीसरा फॉर्म भी सेम होता है, तो हम यहाँ ही हैज कम लिख देंगे। वह जा चुका है, ही हैज गॉन, वह जा चुका है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो ही सिंगुलर है, मतलब ही, सी, इट है, या कोई एक नाम, राम, मोहन, किसी एक का नाम है, तो हम यहाँ पे हैज लगाते हैं। बाकी आई, वी, यू, दे और प्लूरल वर्ब होने पे हम हैव लगाते हैं और वर्ब का तीसरा भी थ्री लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट डाल देते हैं और हमारा वाक्य पूरा हो जाता है। इतना सिंपल सी चीज़ है, इतना आसान है, इसको बड़े आराम से आप समझ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आप इसे पसंद कर रहे होंगे, और अगर आपको यह कार्य अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। धन्यवाद।